हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाजिया फूड हब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी बनाने से पहले, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए देखते हैं मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। इसके लिए देखें, मैंने लिया है ये 1/2 kg मटन, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और ये एक छोटा गोभी का फूल है, इसको भी मैंने कट कर लिया है, और ये कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें मैंने लिया है 1/4 हल्दी, ज़ीरा 1/2 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और ये मैंने लिए 2 टमाटर, इसको भी काट लिया है बीज हटाकर, और ये 2 प्याज को कट किया है, ये 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 2 हरी मिर्चें कटी हुई। कुकर को रख दिया मैंने गैस पर। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल हो गया है गर्म, अब इसमें हम डालेंगे ये कटी हुई प्याज, और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। तो थोड़ा सा प्याज ने कलर चेंज किया है, तो अब इस टाइम पे हम डालेंगे ये जीरा, और अच्छी तरह से प्याज और जीरे को फ्राई कर लेंगे। प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन, ये देखें। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे ये मटन। और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मटन को हम जितना भूनेंगे मटन उतना ही मजेदार बनेगा। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह से भूना है इसे। अब इसमें हम मिला देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भून लेंगे मिक्स करके। हम तब तक इसे भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन की स्मेल ना खत्म हो जाए। अब इसमें हम मिक्स करेंगे ये हल्दी पाउडर, ये धनिया, नमक, लाल मिर्च और ये गरम मसाला। इन सबको मिक्स करके हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखें, मटन अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे ये टमाटर। टमाटर को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे इन्हें। तो ये देखें, अच्छी तरह से भून लिया मैंने टमाटर डाल के। अब इसमें हम मिक्स करेंगे ये गोभी, और इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे ये हरी मिर्च, देखें थोड़ी देर तक मैंने भूना है इसे। इसमें थोड़ा सा पानी भी हम डाल देंगे और फिर भून लेंगे।
तो ये देखें, गोभी और गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे ये 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है गोभी गोश्त में। अब इसमें हम डाल देंगे ये 1 प्याली पानी, क्योंकि हमें भुना भुना रखना है, तो बस इतना पानी हम डालेंगे जिसमें गोश्त गल जाए। और प्रेशर कुकर को कवर करके रख देंगे और इसमें 5 विसल आने देंगे। 5 विसल के बाद ये देखें, बहुत अच्छी तरह से बन गया है ये गोभी गोश्त, एकदम रेडी है। गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है, तो हम इसको कर लेते हैं अब सर्व। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको गोभी गोश्त की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।